हे गाइस, वेलकम बैक टू ओल्ड व्लॉग सीरीज़। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है दीक्षु बेबी ने और मैं यहाँ पे नहा के रेडी हो गई हूँ मेरे गीले गीले बाल और गीले गीले नेल पेंट के साथ। तो मुझे बाल भी ड्राई करने हैं, नेल पेंट भी ड्राई करनी है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गणेश मंदिर, सीहोर गणेश मंदिर, जो कि बहुत फेमस है और माना हुआ सिद्धि विनायक का मंदिर है। सो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और हम लोग गणेश मंदिर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 3 साल कंप्लीट और मेरी मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में लेके जाएंगी वो गणेश मंदिर। तो आज बहुत टाइम के बाद मुहूर्त निकला है हमारा जाने का। वो लिपस्टिक मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, मुझे पिंक शेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सो मैंने चेंज कर लिया। मैंने पिंक के ऊपर ही रेड लगा लिया तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा कुछ निकल के शेड आया और दिस इज़ माई फाइनल लुक, माई OOTD आउटफिट ऑफ द डे। सो यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर थाली रेडी करके लेके आई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तब दीक्षु बेबी 2 मंथ्स की थी और मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था क्योंकि दीक्षु बेबी फीड भी कर रही है और मेरा सी सेक्शन भी हुआ है। तो मुझे सब कुछ अभी अवॉइड करना था, मेरा खाना अलग से बन रहा था इसलिए मैं घर से खाना खा के निकली थी, क्योंकि ये लोग तो बाहर चट्टा वट्टा करेंगे लेकिन मुझे नहीं करने देंगे। तो हमारी सवारी निकल चुकी है मंदिर जाने के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बहुत टाइम बाद में घर से निकली थी, तो मैंने तो फुल एंजॉय किया। और यार ऐसे फैमिली के साथ जाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट टाइम शादी के बाद मैं अपनी फैमिली को अपने साथ में कहीं लेके जा रही थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। मतलब मैंने शो नहीं होने दिया था किसी के सामने और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। सो हम लोग जा रहे थे मेरी बहन, भाई, मम्मी और दादी को लेके। सो दीक्षु बेबी अभी अपनी नानी की गोदी में सो रही है पीछे। का हमेशा का यही होता है, गाड़ी में बाहर ट्रैवलिंग करते टाइम इसको नींद आ जाती है, सो जाती है। देन मैंने इनको भी दिखाया है, ये फ़ोन में गाना सेलेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट सॉन्ग चलाने के लिए। भोपाल से सीहोर गणेश मंदिर जाने तक के लिए आपको एक टोल क्रॉस करना पड़ता है और फाइनली हम लोग सीहोर पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। बस मंदिर थोड़ा ही और दूर है। ये जो मंदिर दिख रहा है ये मंदिर नहीं है सिद्धि विनायक मंदिर, जहां हमें जाना है वो और आगे है, अभी हम लोग जा रहे हैं। सो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ मंदिर, आपको यहाँ से दूर से दिख रहा होगा। सो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और आज है वेनसडे, तो वेनसडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है और बहुत लंबी लाइन लगती है दर्शन करने के लिए। सो हम लोग अभी मंदिर पहुंच चुके हैं तो हम लोग कार पार्क करके अंदर जाते हैं। मैं आपसे वैसा सा दिख रहा है। देन हम लोगों ने प्रसाद लिया और जाके लाइन में लग गए। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेनसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, देख ही सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सो मम्मी और दादी ये लोग हमसे पहले चले गए थे, तब तक हम लोग प्रसाद ले रहे थे। देन हम लोग भी जाके लाइन में लग गए और वेट किया दर्शन करने का, हमारा नंबर आने का। और दीक्षु बेबी पहले से हो गई थी, अभी उठी है और वो देखो कैसे हाथ जोड़ती हुई चल रही है। और
लकीली हमको आरती में शामिल होने का मौका मिला और यहाँ पे ये गणेश जी की छोटी सी मूर्ति भी लगाई हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी जो कि, और धीरे धीरे करके फाइनली हम लोगों का नंबर आ गया और जैसे तैसे करके मैंने गणेश जी की, सिद्धि विनायक जी की जो वहाँ पे मूर्ति स्थापित है उसको भी कैप्चर कर लिया। वैसे तो अलाउ नहीं है और मैंने जैसे तैसे कैप्चर कर लिया। देन हम लोगों ने पंडित जी को दीक्षु बेबी को दिया क्योंकि दीक्षु बेबी अभी 2 मंथ की हुई है और अब मतलब जब से हुई है तब से अब तक फर्स्ट टाइम वो मंदिर गई थी, तो उसको अंदर ले जाके दर्शन भी करवाया पंडित जी ने। देन हम लोग सब आ गए हैं दर्शन करके और आगे और भी मंदिर हैं यहाँ पे, सो हम वहाँ पर भी जाते हैं दर्शन करने। यहाँ पे ये है शीतला माता मंदिर और यहाँ की मान्यता है एक कि यहाँ पे मन्नत मांग के उल्टा साथिया बनाया जाता है और विश पूरी होने पे आके उसको सीधा किया जाता है। सो मैंने भी किया था बहुत टाइम पहले, क्यों किया था वो नहीं बताऊँगी, मेरी विश पूरी हो गई थी तो उसके बाद आई हूँ मैं, अब तो मैं अब उसको सीधा करूँगी। और फिर हमने परिक्रमा ली जो कि स्वयंभू पटवेश्वर बाबा जी का है, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए, पेड़ पड़े, प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पे बस ऐसे ही छोटा सा मेला टाइप सा लग जाता है, हर वेनसडे वेनसडे को बहुत भीड़ होती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए थोड़े बहुत झूले वगैरह और खरीदी का सामान मिलता है यहाँ पे। देन अब हम लोग आ गए हैं दर्शन करके वापस और सीहोर में है मास्टर जी की कचौड़ियाँ, बहुत फेमस और बहुत ही तीखी मिर्ची वाली बनाई जाती हैं। तो आप लोग सीहोर में आके कहीं पे भी किसी से भी पूछोगे मास्टर जी की कचौड़ी तो कोई भी आपको बता देगा, और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और दिखने में कुछ इस तरह की होती है छोटू सी। से यहाँ पे मैं और दीक्षु बेबी बैठे हैं, इन लोगों ने तो कचौड़ी खा ली, मुझे नहीं खिलाई क्योंकि बहुत स्पाइसी होती है और मुझे बाहर का खाना नहीं है। सो ये लोग हम दोनों को छोड़ के पानी पूरी भी खाने गए हैं, यहाँ पे हम लोग अकेले बैठे हैं। सो ये लोग आ गए थे पानी पूरी खा के, तब तक मैंने दीक्षु बेबी से बहुत सारी बातें कर ली। और देखो पानी पूरी के नाम पर ये मेरे लिए क्या लेके आई थी, इवन सूखी पपड़ी। एंड देन हम लोग घर के लिए निकले और घर पहुंच के दीक्षु के पापा ने किया दीक्षु को ढेर सारा प्यार और हमको छोड़ के ये जाने लगे तो मैंने इनको किया बाय। दैट्स इट आज के लिए, इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ बी हेल्दी, टाटा।